अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमीरपुर के टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति, एसपी रमन कुमार मीणा, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, जिला परिषद चेयरमैन राकेश कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अहम काम करने वाली महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर आह्वान किया गया। महिला दिवस के अवसर पर एसपी रमन कुमार मीणा ने कहा कि महिलाओं को आज संकल्प लेना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या से डट कर सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने भी पिछले दिनों जिला प्रशासन से मिलकर कन्या भ्रूण हत्या करने वालों पर शिकंजा कसा है। जो महिला दिवस है हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे और अवसर होते हैं जिनको भी हम ये मान के मनाते हैं जिसमें कि मातृशक्ति का ही पूजन है, चाहे नवरात्र है उसमें शक्ति की पूजा है, इवन जो अंग्रेजी जो मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन कभी हम इसकी पूरी जो महत्ता है, एक नारी की महत्ता समाज में, उस पर हम शायद बहुत अच्छे से गौर नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई ऐसा युद्ध बताइए जो कि महिलाओं ने ही लड़ा, यानी कि शांति से जीना सिखाती हैं महिलाएं, दया प्रेम त्याग हर चीज एक नारी में पुरुष से अधिक हमेशा मिलेगी, और इसीलिए दुनिया में अच्छाइयों का संचार होता है। त्रिपुर पुलिस ने, जिला प्रशासन ने मिलकर एक ऑपरेशन किया था जिसमें कि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को हमने सीज किया। एक महिला जो कि उसका दावा था कि पिछले 25 सालों से वो इस काम में जुटी हुई है, उसको हमने इसमें इस केस में उसको अरेस्ट किया। न जाने कितनी बच्चियों को इस दुनिया में आने से रोका उसने, उसकी वजह से न जाने कितनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार डाला गया। इस पूरे ऑपरेशन को जो हमारी जिला पुलिस डीएसपी रेणु शर्मा, हमारी सब इंस्पेक्टर पूजा शर्मा जो कि आज आपके बीच में ही है, साथ ही डीपीओ मैम, इन लोगों ने अंजाम दिया इसको, और बहुत ही कुशलता के साथ ये साबित किया कि जान बचाने का कोई काम हो, किसी जीवन को इस दुनिया में लाने का काम हो, तो उसको बचाने का काम भी महिलाएं बखूबी कर सकती है। और इस केस की वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि जिला में जो छोटी बच्चियां नवजात बच्चियों के जन्म का जो रेशो है वो बढ़ेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे उद्बोधन था उसमें जाना कि जो सेक्स रेशो है वो बड़ा है, 1000 लड़कों पे 950 के आसपास लड़कियां हैं, पर सही बात तो ये है कि प्राकृतिक रूप से ही लड़कियां अधिक पैदा होती हैं। जिस दिन ये रेशियो 1000 लड़कों पे 1100 लड़कियों का हो जाएगा, उसी मानिए कि हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। हमें कोशिश करनी है कि एक भी बच्चा जन्म से पहले ना मार दिया जाए, और ये हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा एक दाग है कि हम वैसे तो शक्ति पूजन करते हैं, वैसे तो हम दुर्गा को मानेंगे, वैसे तो हम हमारे यहाँ शक्ति पीठ जितनी है वहां यात्राओं पर जाएंगे, लेकिन हमारे अपने घरों में या हमारे आस पड़ोस में किसी बच्ची को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है तो कोई एक आवाज तक उसके खिलाफ नहीं उठाता है। वहीं उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति ने कहा कि महिला दिवस को मनाने का कारण भयभीत करने वाला था। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजकों के पीछे बहुत कारण है, क्योंकि आज जरूरत है महिलाएं और मर्द एक साथ चलें, लेकिन ये तभी होगा जब महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के बराबर होगी। ये जो सेलिब्रेशन है वहाँ शुरू हुआ उसके पीछे कोई अच्छा कारण नहीं था, कारण बहुत भयभीत करने वाला था। 1914 के आसपास जर्मनी में जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। आज हम सब लोग जाके वोट लगाते हैं, अपने हिसाब से वोट देते हैं, जिसको मर्जी करता है उसको वोट डालते हैं, और हर 5 साल में सरकार बदलते हैं। लेकिन 1914 में जर्मनी में महिलाओं को वोटिंग के अधिकार नहीं थे, इसलिए इस तरह के आयोजन हुआ करते थे। महिलाएं एकत्रित होती थी और कहती थी कि हमें भी वोटिंग के राइट्स मिलने चाहिए। आपको पता है अमेरिका में भी, अमेरिका को आजाद हुए, आज अमेरिका यूएस बने, यूनाइटेड बने हुए लगभग 250 साल या 300 साल हो गए, लेकिन महिलाओं को
वोटिंग का राइट जो था, अधिकार था, वो 1920 में मिला। और लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए, तो जिस दिन से संविधान लागू हुआ 1950 में 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ, डिफॉल्ट ये नहीं पूछा गया महिलाओं को वोटिंग के राइट्स होंगे कि नहीं होंगे, बाय डिफॉल्ट सबको राइट दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी आज 2018 चल रहा है और हम इस तरह के आयोजन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमने, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने भी बताया, हमने मातृशक्ति को पूजना शुरू कर दिया। हमने बोला कि ये पूरी ब्रह्मांड की संरचना ही आदिशक्ति से हुई, उसके बाद आपके त्रिदेव प्रकट हुए। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको पूजा तक ही सीमित कर दिया। हमने हम सिर्फ अपने आप को वहां तक सीमित कर दिया जहां हमको जरूरत थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उनकी क्या जरूरत थी। और आज जरूरत ये है इस पूरे देश में कि महिलाएं और मर्द साथ साथ चले और दोनों की बराबर की हिस्सेदारी हो, और वो तभी होगा जब आपका रेशियो भी सेम होगा। हम मेजोरिटी की जब बात करते हैं तो मेजोरिटी ऊपर रहती है। जिस दिन महिलाएं और पुरुष बराबर नंबर में होंगे, उस दिन इन सब आयोजनों की हमें शायद जरूरत ना पड़े। और जहां तक बात रही महिलाओं की, बायोलॉजी की एक शोध है, वो बताती है कि अगर मान लो एक ऐसी स्थिति, ऐसी परिकल्पना करो, एक ऐसी स्थिति हो जहां पे सिर्फ और सिर्फ मर्द हो, महिलाएं ना हो, तो आपको क्या लगता है, सृष्टि आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और एक ऐसी परिकल्पना करो, एक ऐसी स्थिति की जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हो, तो क्या सृष्टि आगे बढ़ सकती है? हां, ऐसा अगर होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान मिलने पर एसआई पूजा का कहना है कि बहुत अच्छा लगा कि जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसके चलते आज सम्मानित किया गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कन्याओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के जो प्रशासन है, डीजी सर और जो भी प्रशासन के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे इतना सम्मानित किया। कि इससे पहले जो कि भ्रूण हत्या है, उसमें मेरा थोड़ा सा रोल था कि मैंने वहाँ पे जो है भ्रूण हत्या, एक जान को बचाया था बेसिकली। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जान को, मतलब इस दुनिया में आने के लिए, मतलब एक प्रोत्साहन मिला कि वो आई है इस दुनिया में मेरी वजह से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि कन्याओं को ना मारे, और उनका जितना हो सके कन्याओं को पढ़ाया जाए, उन्हें, मतलब सारी महिलाओं को ये सजग करवाना चाहूँगी कि बेटी, जैसे बेटा होता है, बेटा भाग्य से मिलता है, और जो बेटियाँ होती है वो 100 भाग्य से मिलती है, 100 भाग्य करने पड़ते हैं उसके बाद बेटियाँ मिलती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आंगनबाड़ी वर्कर सुनीता ने सम्मान मिलने पर जिला प्रशासन का आभार जताया और कहा कि इस तरह महिलाओं को सम्मानित करके महिलाओं का उत्साह बढ़ाया जा रहा है, जो कि सराहनीय कदम है। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले तो जिला प्रशासन और महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद करती हूँ मैं जिला प्रशासन का, जिन्होंने हमें इस प्रकार महिला दिवस पर सम्मानित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे गर्व है कि इस प्रकार महिलाओं को सम्मानित कर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, और महिलाओं को उनका जो अनुभव है, उनका जो कार्यक्रम है, उनका जो कार्यकाल है, उसको बढ़ावा देकर उनकी योजनाओं को लोगों के समक्ष रखा जा रहा है।
यहाँ आकर